हाय हेलो नमस्ते, आज मैं बताने वाला हूँ कि व्हीकल में डिवाइस को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है, हमारे पास जो कुरियर आता है उस कुरियर में डिवाइस रहता है, तो डिवाइस को हम पहले अपने चार्जिंग जो बोर्ड है या चार्जर है उसमें हम चेक कर लेंगे डाल के। तो देखिए, पहले से मैं इसमें चेक करने के लिए रखा था, तो मैं कुछ डिवाइस चेक करके अपने बैग में रखा हूँ। तो उसके बाद हम चेक करके उसके बाद गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि डिवाइस को कैसे इंस्टॉल करते हैं प्रॉपर तरीके से, और अपना सेफ्टी बनाए रखें क्योंकि कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो पहले मास्क लगा लेंगे, और आपके पास ग्लव्स है हाथ में तो उसको लगा लेंगे, और पूरा सेफ्टी को देखते हुए भी अपना काम करेंगे। तो ये रहा हमारा गाड़ी, इसमें हम डिवाइस इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं, आपको डायरेक्ट बैटरी में इंस्टॉल करना है क्योंकि अंदर जो केबिन में लगाते हैं तो उसका स्विच भी रहता है, तो ड्राइवर लोग जीपीएस को बंद भी कर देते हैं, तो फिर हमको बाद में प्रॉब्लम होता है। तो कैसे नहीं करना है, डायरेक्ट हमको बैटरी में फिट करना है। तो आइए दिखाते हैं आपको कैसे बैटरी में फिट कर सकते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा बैटरी, इसमें हम माइनस प्लस को देखेंगे। माइनस प्लस को देखते हुए इसमें अपना जो डिवाइस का केबल है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये रहा हमारा केबल और सॉरी कनेक्टर, इसको हम कट करके अपना जितना चाहिए उसमें हम कर लेंगे। और अपना मास्क प्रॉपर तरीके से लगा के रखिए क्योंकि कोरोना से बचना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें पहले से पिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको हम नए डिवाइस इंस्टॉल कर देते हैं। ये रहा हमारा डिवाइस, हम इसमें जो पहले से पिन लगा हुआ है या हम लगाते हैं इसमें हम प्रॉपर तरीके से फिट कर देंगे। फिट करने के बाद यहाँ पे हम लाइट चेक करेंगे, पहले डिवाइस में लाइट आ रहा है तभी डिवाइस को छोड़ेंगे, उसके बाद ही इसमें जो आपका टैग है उसको फिट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा डिवाइस का लाइट है प्रॉपर तरीके से जल रहा है। तो जो हमारा टैग है इसको और आपका इसमें ब्लेंड करने के लिए इसको हम लगा देंगे। तो देखिए हमारा वाइट टैग, इसमें हम अच्छे से प्रॉपर तरीके से बैटरी के अंदर इसमें जो जहाँ पे लगता है तो देखिए इसको प्रॉपर तरीके से लगा दिया हूँ। तो इसको भी हिला के भी देख लीजिए, हिलता नहीं है, उसके बाद छोड़ दीजिए इसको, तो ऐसा डिवाइस लगता है। और फिर हमको ड्राइवर का जो मोबाइल नंबर या माई नंबर जो डायल करना है उसको हम देख लेते हैं। अभी इसमें हम ई एम आई नंबर डायल करेंगे, जो जीपीएस का जो नंबर रहता है वो ड्राइवर का ही मोबाइल है, इसमें ई एम आई नंबर डायल करेंगे। हर गाड़ी में हम लोग एक ही गाड़ी को छोड़ेंगे नहीं, जितने गाड़ी को डिवाइस इंस्टॉल कर रहे हैं उतने गाड़ी को हम लोग ड्राइवर का ई एम आई नंबर डायल जरूर करेंगे। और डिवाइस लगाने के बाद तुरंत ही अपने हाथ को सैनिटाइज करेंगे सैनिटाइजर से, आपके पास पड़ा होगा तो, नहीं तो कंपनी में हर जगह लगा होता है, तो ऐसे अपने हाथ को सैनिटाइज करेंगे।